जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि एसएससी जीडी का रिजल्ट की जो डेट थी वो आज की थी, 20 तारीख की, 20 जनवरी 2021 की डेट थी। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। अब शाम के लगभग 6:24 का टाइम हो गया अभी, या 7 बजने वाले हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो रिजल्ट आने की जो डेट थी आज ही की थी, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, आपके साथ साथ मैं भी पूरे दिन से इंतजार कर रहा हूँ, शायद कल नाइट से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। यही रिजल्ट आया हुआ कल 19 तारीख का, उसके बाद में इसकी कोई नई अपडेट नहीं है। बार बार जो साइड है वो बार बार लॉकडाउन मतलब डाउन हो रही है, सर्वर डाउन हो रहा बार बार, और आपको लग रहा है कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। लेकिन अब 7 बज चुके हैं, तो जो ऑफिस का टाइम है एसएससीजीडी का, वो भी मेरे से कई लोग पूछ रहे हैं बार बार कि जो इसका ऑफिस का टाइम है वो 7 PM ही है ना सर, एसएससीजीडी के ऑफिस का टाइम। तो मैं उनको बता दूं, अब बार बार मेरे से जो पूछ रहे हैं कि सर इसके ऑफिस का जो टाइम है उस एसएससीजीडी का वो 7 PM ही है ना, तो इसका ऑफिस का जो टाइम है वो 7 PM लास्ट टाइम या 10 PM है क्या है? तो मैं बता दूं, ऑफिस के टाइम से मतलब नहीं है कि आपका रिजल्ट ऑफिस का टाइम अगर मान लो 7 PM है या 8 PM है या 10 PM है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ऑफिस के टाइम से कोई मतलब नहीं है, वो शेड्यूल डाल के जब रिजल्ट डालते हैं तो शेड्यूल डालते हैं पहले। और कई बार ऐसा हुआ कि इसका रिजल्ट रात को 12 बजे, 1 बजे या सुबह के 5 बजे, इस टाइम पर भी रिजल्ट ओपन हुआ है, क्योंकि उस समय सर्वर कम चलते हैं नाइट में और आसानी से रिजल्ट देख सके, इसलिए कई बार नाइट में भी रिजल्ट डालते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि रिजल्ट अभी तक मतलब इसकी ऑफिस का जो टाइम हो गया है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया है। तो ऑफिस के टाइम से कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि इसका ऑफिस का टाइम क्या है, चाहे 7 PM है चाहे 8 PM, उससे कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों आप खाना वाना खाओ, अच्छे से इंतज़ार करो। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जैसे रिजल्ट आएगा नाइट में कभी भी आएगा उसी समय तुरंत मैं आपको डाउनलोड करके PDF उधर मेल और फीमेल दोनों की PDF में डाल दूंगा, चाहे नाइट में 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम आए, और आप उधर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप की। तो जैसे आएगा रिजल्ट मैं उधर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे रिजल्ट आएगा दोस्तों। इधर वीडियो बना पाऊँ नाइट में या नहीं बना पाऊँ वो पता नहीं है, लेकिन हाँ, जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जैसे ही रिजल्ट आएगा चाहे नाइट में कितनी भी बजे आएँ और मैं आपको देखे वो प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अब आज रिजल्ट आने के चांस बहुत कम हो गए हैं कि आज ही रिजल्ट आए, इसलिए आज तो आप कल की नाइट जैसे गुजारे हैं, सभी को पता है, मेरे को भी पता आपके साथ साथ कि कैसे नाइट निकली, क्योंकि कल नाइट में खुद 3 AM तक जग रहा था कि रिजल्ट आएगा शायद, लेकिन नहीं आया रिजल्ट। आप भी जग रहे होंगे, मुझे पता सभी जग रहे हैं, केवल मैं कि आप सभी जग रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो अब हो क्या रहा है कि आप इसको तो छोड़िए कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं, अब चांस बहुत कम हो गए हैं दोस्तों रिजल्ट आने, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी और पूरे दिन में रिजल्ट नहीं आया। अब इस टाइम पर रिजल्ट, तो शाम के टाइम तो रिजल्ट आएगा ही नहीं दोस्तों, इसके तो बहुत ही कम चांस हो गए कि 8 PM 9 PM या 10 PM तक रिजल्ट आए, इसके चांस बहुत कम है। इसलिए अब आप बिल्कुल सर्विस बार बार उसको सर्विस को आप सर्वर पर जाके आप सर्च करें SSC.in, उससे कोई मतलब नहीं है। SSC.NIC.in पे आप जा रहे हो बार बार, SSC ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा रहे हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इसका जो रिजल्ट है वो शायद आज आने के चांसेस बहुत कम हो गए, हो सकता है कि कल इसका रिजल्ट आए। अब सभी को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि पिछली बार जब SSCGD ने अनाउंस किया था, SSCGD का रिजल्ट है या कोई भी आज तक जो रिजल्ट आया SSCGD का, वो फिक्स डेट को बहुत ही कम आया है, कि जिस डेट को या तो एक दिन पहले आ गया, जैसे ये देखो 19 जनवरी को आ गया था, 20 जनवरी इसकी डेट थी। आप सभी को पता है कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, इसकी डेट 20 जनवरी थी। आपने देखी होगी जब वो इसकी जो SSCGD की जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट वाली जो आई थी उसमें लिखा होता कि इसका रिजल्ट 20 को आएगा, और इसका भी रिजल्ट 20 को दे रखा है, लेकिन SSCGD का नहीं आया, इसका आ गया। तो अब कईयों को ये भी डर लग रहा है कि ऐसा रिजेक्शन लेटर आएंगे या रिजेक्शन लेटर की वजह से मेरिट लेट होगी। तो दोस्तों बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरिट तो लेट नहीं होगी, लेकिन आपको भी पता है कि रिजेक्शन लेटर कईयों के आ रखे हैं, उसकी वजह से अगर आपको लग रहा है कि अगर मेरिट लेट होगी तो ऐसा नहीं है, उसकी वजह से मेरिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरिट की SSCGD ने एक बार अगर डेट दी है 20 तारीख, तो इसका मतलब है कि 20 तारीख के आसपास आपकी मेरिट आई है। कई बार ऐसा हुआ है कि 1 या 2 दिन बाद भी आई है, जैसे अगर 20 तारीख डेट दी है तो उसके बाद में 1 या 2 दिन बाद में मेरिट आई है, और 1 या 2 दिन पहले भी मेरिट आई है, 2-2 दिन 3-3 दिन पहले भी आई है। जैसे मैंने बताया था कि पिछली बार जब 2015 वाली वैकेंसी थी और 2017 में जब इसकी मेरिट आई थी, तो 4 फेब डेट थी, 4 फरवरी डेट थी, जबकि फाइनल मेरिट आई थी 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को ही आ गई थी पिछली बार, यानी 2 दिन पहले आ गई थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि 2 दिन पहले तो छोड़ो, आज 20 तारीख हो गई, जो डेट दी है उसी को नहीं आई, और जो डेट देते हैं उस डेट को तो SSCGD का बहुत ऐसा रिकॉर्ड है कि SSCGD ने अगर मान लो 20 तारीख दी है तो 20 तारीख को आने के चांसेस बहुत ही कम है,
क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जो डेट देते हैं या तो उससे पहले आती है या एक दिन बाद में आती है। तो अब ऐसे जैसे जिस हिसाब से टाइम चल रहा है इस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे SSGD अपलोड करेगी। और ऑफिस के टाइम से कोई मतलब नहीं है, मेरे को बार बार मैसेज करें कि सर अब तो ऑफिस ही बंद हो गया होगा। SSGD का जो ऑफिस का जो टाइम होता है वो क्या टाइम होता है सर? आप देखो ऑफिस का टाइम से कोई मतलब नहीं है, ऑफिस बंद होने का टाइम से कोई मतलब नहीं है। कलर्क रात को 10 बजे तक भी काम करते हैं, 11 बजे तक भी काम करते हैं और 12 बजे तक भी जो कलर्क होते हैं वो काम करते रहते हैं। कई बार जब वर्क लोड होता है तो नाइट में भी शिफ्ट चलती है और नाइट में भी काम होता है, ऑफिस बंद नहीं होता 7 बजे 8 बजे, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफिस बंद होता है। लेकिन रिजल्ट आने के अब चांसेस बहुत कम हो गए, अगर आएगा तो शायद हो सकेगा तो नाइट में आ सकता है, नाइट में रिजल्ट आ सकता है और यस कल सुबह क्या टाइम आ सकता है। लेकिन अभी रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो गए, आपको भी पता है कि अब रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो गए और आप पूरे दिन हो गए इंतजार करें, कईयों ने खाना भी नहीं खाया। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, खाना पीना खाओ अच्छे से बढ़िया से, कोई बात नहीं रिजल्ट आ जाएगा, आज नहीं तो कल, कहाँ जाएगा, कितना इंतज़ार कराएगी। जब 3 साल हो गए आपको, 3 ईयर हो गए इंतज़ार में, 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। जो 18 साल की वैकेंसी देखा ना बंदा वो आज 21 साल का हो गया है। जिसने 18 साल की उम्र में इसका फॉर्म भरा है, 18 साल की था आज वो 21 साल का हो गया, मतलब 3 साल बहुत होते हैं और हर रोज़ मतलब जूझ रहा है बंदा कि अब रिजल्ट आएगा, अब नंबर आएगा। जिसके 10 नंबर ज़्यादा है उसको भी विश्वास नहीं है, जिसके 10 नंबर प्लस है वो भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों आप विश्वास रखो खुद में, जैसे कि मैंने बताया था कि ज़्यादा मेरिट अब नहीं जाएगी, आप थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से रहो और मेरिट है। अगर आज नहीं भी आती तो कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जब मेरे को इतना एक्साइटेड हूँ, मैं खुद इतना एक्साइटेड हूँ आपकी मेरिट जानने के लिए, तो आप कितने एक्साइटेड हो अपनी मेरिट जानने के लिए वो तो मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप खाना पीना खाओ जैसे, और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैंने बताया जैसा कि उसमें आप जुड़ जाओ, जैसे ही मेरिट आएगी हैंड टू हैंड आपके पास में वहाँ पर PDF प्रोवाइड हो जाएगी, क्योंकि मैं इधर SSGD की वेबसाइट नाइट में मैं देखता रहूँगा और आप सोइए मज़े से, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करा दूँगा दोस्तों। इसलिए अब आज के लिए तो मुझे लग रहा है कि जब मैंने भी सोचा था कि 20 तारीख को रिजल्ट आ गया, लेकिन SSGD का रिकॉर्ड रहा कि जब 20 तारीख दी है तो 20 तारीख को रिजल्ट नहीं आया, मतलब जो डेट दी है उसको रिजल्ट बहुत ही कम आया है, या तो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले और या 1 दिन लेट या 2 दिन लेट, इस प्रकार से रिजल्ट आता है। तो अब सुबह तो ऐसे लग रहा था कि 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि SSC की तरफ से कोई नई अपडेट नहीं आई थी कि भाई रिजल्ट आगे होगा या पीछे होगा, अभी तक भी कोई अपडेट तो नहीं है SSC की तरफ से कि भाई रिजल्ट पोस्टपोन होगा। तो रिजल्ट तो आएगा इसमें कोई शक नहीं है, 1 दिन आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। तो देखते हैं कल रिजल्ट आता है या नहीं आता, आज रिजल्ट का आपके साथ साथ मैं भी इंतज़ार कर रहा था, कोई बात नहीं आज नहीं तो कल कहाँ जाएगा, आ ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो खाना वाना खाइए अच्छे से और वो ग्रुप से जुड़ जाए आप टेलीग्राम वाले से, मैं आपको आते ही भेज दूंगा दोस्तों रिजल्ट। जय हिंद जय भारत।